तो बेसिकली दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा जेट किंग इंस्टीट्यूट के बारे में, जो कि जिसका लिम्का बुक में रिकॉर्ड है। तो उसी जेट किंग इंस्टीट्यूट के बारे में बात करेंगे, क्या ये जॉब दिला पाता है या बंदों को फंसाता है या जॉब नहीं मिलती है। तो वही सारा डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। अगर आप ये जानना चाहते हो जेट किंग जा रहे हो या उसमें करना चाहते हो, तो ये वीडियो लास्ट तक का जरूर देखना, आपको जितने भी डाउट्स हैं वो सारे इसमें क्लियर हो जाएंगे। तो ज़्यादा टाइम ना लेते वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम, आप देख रहे हैं आपका अपना आईटी इंजीनियर यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं शुरुआत से छोटी सी इंट्रो के बाद। तो जेट किंग एक जाना पहचाना ब्रांडेड इंस्टीट्यूट, ज़्यादातर ये जाना जाता है हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग के लिए, क्योंकि यहाँ पे 100% प्लेसमेंट की वो गारंटी लेते हैं हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग की। अब मैं बात करूँ अगर यहाँ पे प्लेसमेंट के बारे में, और थोड़ा सा अगर मैं डिस्कस करूँ एक कोर्स ड्यूरेशन के बारे में, तो जी हाँ दोस्तों, मैंने इस पर एक वीडियो बनाया हुआ है। इसमें मैंने बताया जेट किंग का कड़वा सच के बारे में, और इनका जो कोर्स ड्यूरेशन होता है वो थोड़ा सा लेंदी होता है। लेंदी इन द सेंस कि ये अराउंड 4 से 5 महीने या 6 महीने खींच के ले जाते हैं, इतने दिनों में वहाँ पे वो कंप्लीट कर पाते हैं। अगर मैं बात करूँ यहीं पे अदर इंस्टीट्यूट की, तो 2 से 2.5-3 महीने में वहाँ पे वो कर देते हैं। तो मैं बता दूं अब यहाँ पे प्लेसमेंट के बारे में, जी हाँ दोस्तों, प्लेसमेंट वहाँ पे होते हैं और 100% प्लेसमेंट होते हैं। अब जो लोग ये सोचते हैं कि जेट किंग बकवास है, फालतू है, प्लेसमेंट नहीं देता है, तो मैं बता दूँ, तो दोस्तों ये बात मैं बताने से पहले एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये वीडियो कोई प्रमोटेड नहीं है। मैं जेट किंग का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, जो मुझे रियलिटी पता है मैं वो यहाँ पे बता रहा हूँ। तो प्लेसमेंट दिलाता है, ये श्योर है। अब मैं बात करूँ उन लोगों की जो बोलते हैं बकवास है, कुछ नहीं मिलता, तो मैं बता दूँ सीधा सीधा सा कि अगर आप चाहे NIT से कर लो, चाहे IIT से कर लो, टॉप इंस्टीट्यूट से कर लो, आप हार्डवेयर नेटवर्किंग अगर खुद नहीं पढ़ोगे तो मैं क्या बता रहा हूँ। अगर दुनिया का सबसे अमीर आदमी भी आ जाए ना कि आपको जॉब दिलवा दे अगर बिना पैसे की, तो जॉब आपको नहीं मिल सकती है। 100% लिख के ले लो, वो चाहे जेट किंग हो, चाहे दुनिया का कोई भी इंस्टीट्यूट हो, कोई भी कॉलेज हो, चाहे वो IIT कॉलेज हो, चाहे IIT मुंबई, कानपुर, खड़गपुर, कोई सा भी IIT कॉलेज भी हो, अगर आप नहीं पढ़ोगे तो कोई सा भी ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है जो आपको जॉब दिलवा दे। फाइनली बात वही होती है ना कि वो चीज़ें बताते हैं कि इंटरव्यू कैसे क्रैक करना है, इंटरव्यू कैसे देना है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का, ये सारी क्लासेस वो लेते हैं। अब फॉर एग्जांपल आपके सामने चेयर रखी हुई है, अब आपको वो बता देंगे कि वहाँ पे ऐसे ऐसे जाना है। अब ये तो नहीं है कि आपको उठा के वहाँ पे बिठाएंगे, ऐसा तो कहीं भी नहीं होता है। तो मैं बता दूँ दोस्तों, मैं यहाँ पे जेट किंग की भी अगर बात ना करूँ, कोई सा भी इंस्टीट्यूट जहाँ 2-2.5 महीने भी लगते हैं, 20-25 हज़ार भी फीस होती है, तो अगर वहाँ पे भी जाओगे आप अगर, तो अगर वहाँ पे भी अच्छी पढ़ाई करोगे, अच्छी चीज़ें सीखोगे, तो वहाँ से भी जॉब मिलती है, ना कि एक जेट किंग ही, और भी सारे इंस्टीट्यूट हैं वहाँ से भी जॉब मिलती है। लेकिन उन्होंने कमेंट्स कर रहे थे कि जेट किंग बकवास है, ऐसा है, वैसा है, तो मैं बता दूँ रियलिटी, मेरी टीम में एक बंदा है जो जेट किंग से हार्डवेयर नेटवर्किंग करके आज वो बंदा क्लाउड पे वर्किंग है। एंड दोस्तों मेरा एक अच्छा फ्रेंड, इवन मेरा रूम पार्टनर, मेरा रूम, उसने भी हार्डवेयर नेटवर्किंग जेट किंग से ही किया था, और आज वो भी एक IT प्रोफाइल में जॉब कर रहा है, नेटवर्क की प्रोफाइल पे। तो मैं सीधी सी एक बात कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप पढ़ोगे नहीं, तो दुनिया का कोई भी इंस्टीट्यूट कॉलेज नहीं है जो आपको जॉब दिला देगा। आपको पढ़ना पड़ेगा और आपको ही जॉब लेना है, इंटरव्यू आपको ही देना है। वहाँ पे जो फैकल्टी आपको पढ़ाएगी वो इंटरव्यू देने नहीं जाएगी, इंटरव्यू आपने ही देना है, क्वेश्चन के आंसर आपने ही बनाने, सारी चीज़ें आपको ही करनी। लेकिन आप डिपेंड करता कि आप वहाँ पे आप कैसी पढ़ाई कर रहे हो, कैसी चीज़ें हैंडल कर रहे हो, तो वो सारी चीज़ें आप पे डिपेंड करती हैं। अगर हम खुद नहीं पढ़ रहे हैं, किसी दूसरे को दोषी ठहरा नहीं सकते कि वो इंस्टीट्यूट खराब है या वो बंदा खराब है या वहाँ पे मेरा पैसा फंस गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो चीज़ें पढ़ाते हैं, बताते हैं। मैं बता रहा हूँ यार, ज़्यादा से ज़्यादा ना 1.5 से 2 महीने अगर आप काम कर लोगे, आप अच्छे से पढ़ लोगे हार्डवेयर नेटवर्किंग, तो 100% प्लेसमेंट हो जाएगा। और 50-60 क्वेश्चन होते हैं, वो भी एक एक दो दो लाइन की, जो मतलब स्टार्टिंग कैरियर के लिए हार्डवेयर नेटवर्किंग में वहाँ पे वो चीज़ें सिखाते हैं, वो पढ़ाते हैं। और जी हाँ दोस्तों, मैंने भी एक इंस्टीट्यूट पे ही ये हार्डवेयर नेटवर्किंग का कोर्स किया था, और आज एक अच्छी प्रोफाइल पे वर्किंग हूँ एक इंस्टीट्यूट से ही पढ़ के। अगर तो दोस्तों किसी दिन मैं बताऊंगा वीडियो में कि मैंने कहाँ से किया था या कौन सा इंस्टीट्यूट है, किस जगह से किया था या कौन कौन से इंस्टीट्यूट बेटर होते हैं, या मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर जरूर करेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन दे रहा होगा, वहाँ पर क्लिक करें, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाला वीडियो आपका मिस ना हो। बस यार दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही था।
वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें, एंड अगर वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन दे रहा होगा वहाँ पे क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए ताकि अगर मैं कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो वो मिस ना हो। इसके बाद भी अगर आपका कोई कमेंट्स या क्वेरी है नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। अगर आपको ऑन स्पॉट आंसर चाहिए तो इंस्टाग्राम की आईडी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पर मुझे फॉलो करके मेरे से क्वेश्चन कर सकते हो, वहाँ पर मैं ऑन स्पॉट आंसर दे देता हूँ। मेरा नाम शुभम, मैं मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। जय हिंद, जय भारत।